हाँ? आज क्या है? आज संडे है. और अगले संडे क्या है? संडे. अरे हाँ. ए अट्टा पार्टी बना दी. सॉरी. अरे अगले संडे सलोनी का बर्थडे है. बर्थडे? अरे वाह सलोनी, अगले संडे तुम्हारा बर्थडे है. वेरी गुड. मैं क्या कह रही थी? सॉरी, मैं ये कह रही थी कि बर्थडे तो मेरे भी बहुत आए हैं, लेकिन आज तक कभी मैंने इस बात का घमंड नहीं किया. बर्थडे तो सबका बहुत बार आता है, इसमें घमंड करने वाली कौन सी बात है? हम लोग सलोनी का हैप्पी वाला बर्थडे मनाएंगे. हम सलोनी का हैप्पी वाला बर्थडे तब मनाएंगे ना जब हम सब मिलकर सलोनी का बर्थडे स्पेशल करेंगे. तो होगी ना शानदार पार्टी. सच्ची? चलो हम फाइनल कर लेते हैं कि पार्टी में क्या क्या होगा. अरे बच्चों डोंट वरी, पार्टी की सारी तैयारियां मैं करूंगी. क्या मतलब क्या बात है? क्या बात है ना बच्चों? क्या बात है ना. इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इसके बर्थडे के लिए सब्जियों वाला केक बनाऊंगी. फ्रूट वाला केक तो सुना था, लेकिन ये सब्जी वाला केक पहली बार सुन रहा हूँ. अरे फ्रूट वाला केक तो हर कोई बनाता है, इसलिए मैंने सोचा कुछ अलग करूंगी. सब्जियों वाला केक और फ्रूट वाली सब्जी. सलोनी, फिर तो ऐसे हो गया तेरा हैप्पी वाला बर्थडे. देखो सबसे छोटा है लेकिन सबसे ज्यादा तेजी है. सॉरी बड़े भैया. और जो किया है बस आराम ही है. करना चाहता ना खेलना चाहता ना कूदना चाहता. इसे तो कोई कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि ये सबका लाडला है. लाइक नेवर बिफोर. हाँ लाडला है. यो ब्रो, सबको छुट्टी मिलेगी तो सब खुश हो गई ना. हाँ वही तो. अरे क्या वही तो. अरे भाई हमने सोचा कि आज संडे के दिन संडे के साथ पिकनिक मना जाएंगे, लेकिन यहाँ संडे को इस बात का ख्याल ही नहीं है. नहीं है, मैं क्या करूं? मैं बनाई इसलिए हूँ कि संडे को सब आराम कर सके, पूरे हफ्ते की थकान मिटा सके, घूम सके, फिर सके. अब इस वजह से सब मुझे प्यार करते, इसमें मेरी क्या गलती है? लो, गलती भी खुद करो और नाराज भी खुद हो जाओ. एकदम बच्चा है बच्चा. क्रोध नहीं, क्रोध नहीं, पर कहना है वही. हमारा संडे तो एकदम बच्चा है बच्चा. और क्या है? इर्शाद. वैसे इसकी क्या गलती है कि सब करते हैं इसे इतना प्यार? आखिर मिलती है इसे भी तो हफ्ते में छुट्टी एक बार. तो वेनसडे भैया, इसका तो नेचर ही आराम करने का, इसलिए बच्चे और बड़े संडे के बिना नहीं रह सकते. लाइक नेवर बिफोर. हाँ बड़े बड़े रह नहीं सकते. या यू आर राइट ब्रो, हम सब भी कहाँ रह सकते हैं हमारे प्यारे ब्रो संडे के बिना. एक नई ड्रेस होनी चाहिए, वो भी नए शूज और हेलमेट के साथ. अरे सिर्फ इतना ही नहीं, एक बड़ा सा केक होना चाहिए जिस पर सलोनी की फोटो बनी होगी, और वो भी एकदम प्रिंसेस की तरह. हाँ। और हम
और कुछ? मतलब हम भूल ना जाए इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि और कुछ? हाँ? और हम पूरी क्लास को पार्टी में बुलाएंगे। हाँ। सिवाय रोहित मोंटू केवल के। हाँ। हम उन्हें नहीं बुलाएंगे, फिर भी वो आ जाएंगे। हाँ। पर इस बार मैं रानी परी को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाऊंगी। अरे सलोनी, वो नहीं आ सकती। हाँ, नटखट परी, अटकाती परी, वो आ सकती है। ये कौन सी परी है? वो सब छोड़। बल्लू, तू मुझे ये बता कि तुझे ये सब परियों के बारे में कैसे पता? कैसे पता है ना? कैसे? कैसे पता? टीवी। टीवी? अरे हाँ, टीवी पे एक प्रोग्राम आता है, उसमें मैंने इन सारी परियों को देखा है। अच्छा। हाँ, तो मैंने सोचा हम उनको भी बुला सकते हैं। बल्लू, तू है लल्लू, लेकिन इस बार तूने कमाल का आइडिया दिया है। हम सलोनी की बर्थडे पार्टी का थीम ही फेरीलैंड रख देंगे। अरे हाँ हाँ, जिसमें लड़कियां प्रिंसेस बनेंगी और लड़के प्रिंस बनेंगे। वाव! नहीं! मैं सलमान बनूंगा। वाह मेरे फटकली सलमान। रानी परी भी चाहती है सलोनी कि तुम्हारा बर्थडे खास बने, और अगले संडे तुम्हारा बर्थडे खास ही होगा। नहीं, अगले हफ्ते संडे ही नहीं होगा तौबा तौबा। इस बार का संडे बच्चों के लिए आखिरी संडे होगा। पृथ्वी लोक में कभी संडे नहीं आएगा, संडे नहीं आएगा, सीधा सैटरडे के बाद मंडे आएगा। बच्चे ढूंढते रह जाएंगे अपने प्यारे संडे को, लेकिन उन्हें संडे नहीं मिलेगा। लेकिन होंगे इसे तो सारे बच्चे दुखी। यही तो चाहती हूँ मैं कि सब बच्चे उदास हो जाएं। यही तो मेरा सपना है, इसीलिए मैं संडे को चुराऊंगी और संडे को कैलेंडर से और लोगों की यादों से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगी, और उसके बाद बड़े हर रोज काम करेंगे और बच्चे हर रोज स्कूल जाएंगे। कोई छुट्टी नहीं, फिर बच्चे रोज स्कूल जा जाकर दुखी हो जाएंगे और फिर वो विद्रोह कर देंगे, स्कूल के नाम से डरने लगेंगे और स्कूल जाना छोड़ देंगे, और सारे अच्छे बच्चे बुरे बच्चे बन जाएंगे। सोचो, एक छोटे से संडे को चुराने से मेरा कितना बड़ा काम पूरा हो जाता है। अब मेरी जादुई तरंगे 12 महीनों में से संडे को हमेशा हमेशा के लिए हटा देंगे। सलोनी, ये रिंग देख, कैसी है? तेरे को चाहिए बर्थडे पे? हाँ। सलोनी, ये देख, ये वॉच कैसी है? ये तुझे चाहिए? नहीं 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 वॉच। अरे, पहले मुझे ड्रेस देखने दो, तभी मैं सिर्फ फाइनल कर पाऊंगी। चल देखो ढूंढो। अरे ये देख सलोनी, कितना अच्छा ड्रेस है।
सलोनी, ये देख कितनी अच्छी ड्रेस है। इनमें से कौन सी अच्छी वाली? बालवीर, बालवीर। माँ, बालवीर, माँ, माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ बालवीर, हमने आपको इसलिए बुलाया। बालवीर, आपके हाथ में ये यंत्र कौन सा है? ये तो ये नहीं, मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगा इनमें से। एक काम करते, जो बल्लू दिखा रहा है उसे देखते। हाँ, आता मुझे फटकली, बल्लू कहाँ गया? हाँ पता नहीं, इसके गायब होने वाली बीमारी कब इसका पीछे छोड़ेगी। ढूंढो, चलो। परियो, ये जानकारी और सूचना देने वाला चलचित्र यंत्र है। इस समय एक ही जगह पे बैठे बैठे कई सारी चीजें देख सकते हैं। और अभी अभी मैं सलोनी को इसी यंत्र से उसकी मन, माँ, मैं सलोनी को उसकी मनपसंद पोशाक दिखा रहा था और आपने मुझे यहाँ बुला लिया। लेकिन बालवीर, हमें आपसे एक बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे अभी जाना होगा, वरना अगर मैं अभी नहीं गया तो पृथ्वी लोक में सब लोग मुझे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। अगर आपकी बात जरूरी है तो मैं मौका मिलते ही वापस आ जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे किसी भी हाल में जाना ही होगा। माँ, अरे तुम सब लोग क्या ढूंढ रहे हो? बल्लू लल्लू, तू कहाँ गायब हो गया था? हाँ, वो मैं एक मिनट के लिए बाहर गया था। अच्छा, बाजी फटेगी। दरवाजा तो उस साइड है, तो फिर तुम्हारे पीछे कैसे आया? ओहो, मैं कैसे आया? वो क्या था? अरे बच्चों, मुझे बताओ नहाने कौन कौन जाएगा इस वक्त? ठीक है, फिर मैं अकेले जाता हूँ आज का संडे मनाने के लिए स्विमिंग पूल पे। आओगे रात तो फिर चलो। चलो, चल, कहाँ चल दिए तुम लोग? बैग पैक करो पहले, चलो आज हम लोग जमकर स्विमिंग करेंगे। लेकिन अंकल, हम जम जाएंगे तो स्विमिंग कैसे करेंगे? बैग पकड़ता हूँ। होता नहीं कोई भी काम खुद आप से। कर दीजिए मुझे माँ, फूल लगाता अभी मैं पता कि गया कैसे आपका बार बेकार। तो लगाओ पता। फूल लगाता मैं अभी पता, फूल लगाता मैं पता। तुम्हें पता लगाने के लिए कहा है, नाचने के लिए नहीं। अरे जब नाचूंगा तभी तो पता लगा पाऊंगा, गई समझ? परी भयंकर, ये देखिए। कैलेंडर लोक के कैलेंडर में तभी कोई दिन मिट सकता है जब वो दिन खुद यहाँ कैलेंडर के सामने उपस्थित हो और कहे कि वो मिट जाए। अब आएगा क्यों संडे यहाँ? आएगा, मैं खुद उसे यहाँ लेकर आऊंगी। मैंने तय कर लिया है, संडे मिटेगा तो मिटेगा।
मजा आ गया, मजा आ गया। और क्या है इरशाद भैया? बन गया ये फंडे, तुमने खूब एंजॉय किया हम सब ने संडे। इसलिए संडे को बच्चे और बड़े करते हैं ना, वो क्या ही अटक गए। ओह इजहार वो दिल से करते हैं ना। हेलो हेलो, जो सब मिलके करते हैं ना। Enjoy, enjoy करते हैं, like never before. Enjoy, हाँ, enjoy करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि असली मजा सबके साथ आता है। All days, तो all days अब थोड़ा आराम कर लो। Okay bro. हाँ चलो चलो आराम कर लेते, थोड़ा थोड़ा आराम कर लेते। आज तुम्हारा डे है तो तुम कैसे आराम कर सकते हो? तुम सो जाओगे तो बाकी बच्चों का संडे बोरिंग हो जाएगा। एब्सोल्युटली राइट ब्रो। और क्या है बात, क्या है ये सही, गौर से सुनिए, बात क्या है ये सही, संडे को ही संडे के दिन छुट्टी नहीं। You are really funny, bro. हंसना नहीं। All days. सब अपने हाउस में जाकर थोड़ा आराम कर लो। जी भैया। बेटा संडे, ज्यादा दूर मत जाना। You are absolutely right, bro. अगर तुम खो गए तो right. बच्चे क्या करेंगे तुम्हारे बिना? Like never before. चलो, चलो। क्या यही संडे? हाँ है यही। चलो चलो कीजिए उसका अपहरण। मतलब चलिए चलिए है करते हम उसका अपहरण। नहीं हम उस तक नहीं जाएंगे, बल्कि वो हमारे पास आएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.